हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज हम कर रहे हैं शोल्डर का वर्कआउट विद वकार भाई। तो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको 5 एक्सरसाइजेस, जिसमें टोटल 13 सेट्स हैं, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा देखने में। आप देखेंगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और कमेंट्स में आपने मुझे बताना ज़रूर है कि ये एक्सरसाइज आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही। 5 एक्सरसाइजेस हैं, 13 सेट का कंप्लीट, आपने पूरी टेक्निक के साथ लगाने हैं। ये शोल्डर का जो वर्कआउट है, इसमें जो एक्सरसाइज हम लोगों ने की हुई है, 5 एक्सरसाइज जो है, इसमें आपका शोल्डर जो है वो शेप में आएगा, स्ट्रेंथ में आएगा, और इसकी जो है ना आपकी इंशाल्लाह शेप बड़ी अच्छी निकलेगी शोल्डर की, मसल आपका बिल्ड करेगा, बिल्ड होगा मसल आपका। और इसके अलावा आपने सबसे पहले एक चीज़ करनी है, जब आपने आना है जिम में तो आते ही लाइट सा कार्डियो ले, लाइट सा, बिल्कुल लाइट सा वार्म अप करें, शोल्डर का वार्म अप करना है आपने, शोल्डर का वार्म अप करें, शोल्डर के पुशअप लगाएं, उसमें भी आपको इंशाल्लाह एंगल करके हम लोग वीडियो बना रहे हैं, जिस जो भी आपने एंगल लगाना है, जिसमें भी आपने जो भी करना है, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका पुशअप आपको लगाने का तरीका हम लोग बताएंगे वीडियो में। और सेकंडली, वकार भाई ने एक एक एक्सरसाइज के ऊपर, एक एक मसल की एक्सरसाइज के ऊपर ब्रीफ किया हुआ है, आपने वीडियो देखनी है, वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया होगा। ये जो हमने इंटरमीडिएट सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, इसका ये 3rd एपिसोड है। तो सो लेट्स गो मूव ऑन टू जिम, और इंशाल्लाह होपफुली कि आपको पसंद आएगी। और एक चीज गाइस, आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और इसको शेयर करना है, ताकि थोड़ा सा मोटिवेट हो, मोटिवेशन मिलेगी तो हम लोग इसको स्टार्ट रखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कल हमने बैक वर्कआउट किया था, आज मैं अकबर भाई को शोल्डर वर्कआउट करवा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर प्रेस, ठीक है, जो शोल्डर को बोल्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस एक्सरसाइज। नीचे जाकर उठ रहे शोल्डर उठाए, दो से इसको लगाने का ये फायदा होता है कि आपका फ्रंट और रियर डेल्ट दोनों पे ज्यादा जोर आता है और ये मसल को ब्रॉड करता है आपके। जी नाजरीन, ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है शोल्डर साइड ब्रेसिस, ठीक है। तो कंट्रोल करके तो आराम से नीचे, तो कंट्रोल करना, शाबाश, रोके आराम से नीचे, तो शाबाश, रोके आराम से नीचे लेकर आओ, कंट्रोल करके मसल, क्या बात बता रहे, इसका भी एक्सप्लेन कर दे मैंने, क्या है इसका दोस्त? बेसिकली इसका फायदा ये है कि आपके लिए मसल को पैर की तरफ निकालता है, शोल्डर की ग्रोथ पर करता है और शोल्डर की शेप बनाता है, ठीक है। तो कंट्रोल करके एक्सरसाइज नंबर 3 है, ये शोल्डर का एक्सरसाइज है। 3 नंबर एक्सरसाइज है हमारी फंड रेंज के नाम से, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। आपने 3 एक्सरसाइज करनी है, ये कोशिश करें कि लाइट वेट से लगाएं, एंगल आपका परफेक्ट होना चाहिए बिल्कुल, अगर आपने एंगल परफेक्ट नहीं लगाना तो फिर वेट उठाने का फायदा कोई नहीं है। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 है, इस एक्सरसाइज का नेम है शर्ट्स। ये पैर और शोल्डर को लहरा करता है, ठीक है, ये पैर में चस्त उठा कर ये शोल्डर को फील ऑफ करता है, क्या बात है, ये क्या बात है, आपका सिर्फ शोल्डर इन्वॉल्व होगा। हाँ, ये शोल्डर इन्वॉल्व होगा लेकिन पैर पे भी जोड़ जाएगा, ठीक है, चस्त उठा के रखें, ये क्या बात है, बहुत अच्छे दोस्त, चस्त उठा कर उस एक्सरसाइज को करते हुए इसका ध्यान रखना है कि आपका बॉडी बैलेंस आउट हो, ठीक है। दोस्तों आप हम लगा रहे हैं एक्सरसाइज वर्कआउट नंबर 5, अपना एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, ठीक है, मैं आपको बाहर निकालते हैं, वैसे स्लो लगाए, स्लो के लगाएगा, जो स्लो क्या बात, जितना ट्रैप से जोर लगाएंगे नीचे की तरफ उतना होगा, ये मतलब बाहर आएगा, क्या बात, रोक के ऊपर होके लिखे, तो